हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमानत, आपसे स्वागत है अमानत डी यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी को दुर्गा पूजा का बैनर पीएलपी फाइल आपको देने वाला हूं। तो इस पीएलपी फाइल को डाउनलोड करके किस तरह से पिक्सल में ऐड करेंगे, वो सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ में आप इस पीएलपी फाइल में आपको दो चार बैकग्राउंड ऐसा दिया हूँ जहाँ आप इस बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो आपको बैकग्राउंड अच्छा लगे वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे दिखा देते हैं। यहाँ पे सभी बैकग्राउंड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे दूसरा बैकग्राउंड, यहाँ पे इसको चेंज करके यहाँ से जो आपको यहाँ पे अच्छा लगे वो बैकग्राउंड आपको यहाँ पे, इस तरह से बहुत सारा बैकग्राउंड आपको दिया हूँ। तो किस तरह से डाउनलोड करके किस तरह से पिक्सल में ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो देखिए दोस्तों, इसका पीएलपी फाइल का जो लिंक है उसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और लिंक देखिए व्हाट्सअप में कॉपी करके रखा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता है। तो लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो कोई भी एक ब्राउजर में ओपन करने को बोलेगा, तो आपको कोई भी एक ब्राउजर में ओपन कर लेना है। ओपन करने बस यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे इसके ऊपर टच करके इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे इसके ऊपर टच करेंगे तो इसका डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। यहाँ मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ इसका डाउनलोडिंग चालू हुआ है कि नहीं। यहाँ देख सकते हैं ऊपर में इसका डाउनलोडिंग चालू हो चुका है। ये 5 MB का है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा टाइम लग सकता है आपको डाउनलोड होने में। तो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद से आपको प्ले स्टोर से RR ऐप डाउनलोड कर लेना है। RR ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो उस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद से उस ऐप को ओपन करना है। आपको डाउनलोड फोल्डर में चले जाना है, क्योंकि वो जो भी फाइल आप डाउनलोड करते हैं तो आपको डाउनलोड फोल्डर में ही जाता है। तो ये भी आपको फाइल डाउनलोड फाइल में जाए गया होगा, तो आपको डाउनलोड फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे आपको देख लेना है जो फाइल यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, यहाँ नीचे आया है कि नहीं। यहाँ पे हम देख लेते हैं दुर्गा पूजा का जो बैनर, यहाँ पे मैं जो नाम लिखा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे दुर्गा पूजा बैनर पीएलपी यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसके ऊपर टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद आपको प्लस के बगल में जो तीर का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपको डाल देना है 8897, ये वाला पासवर्ड डाल के ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो फाइल अनजिप हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको पिक्सल लैब में आ जाना है। तो हम यहाँ पे पिक्सल लैब में यहाँ पे पहले से सेट करके रखे हैं, तो इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद से फिर से पिक्सल लैब को ओपन करते हैं, तो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन डॉट पीएलपी फाइल पे क्लिक करना है। और यहाँ ऊपर जो लिखा है पीएलपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे फोल्डर दिख जाएगा, दुर्गा पूजा बैनर पीएलपी। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता है, यहाँ पे देख सकते हैं दुर्गा पूजा बैनर पीएलपी शो कर रहे थे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस पीएलपी फाइल को क्लिक करके इसको ऐड, ओपन एंड ऐड पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फाइल पूरा ऐड हो चुका है। उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फोटो चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फोटो को यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद से जो भी फोटो आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो फोटो को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम एक और यह फोटो लगा देता है, देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको हम इस तरह से छोटा कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो भी आपको फोटो यहाँ पे लगाना है वो फोटो को आपको यहाँ पे एडजस्ट करके इस तरह से सेव कर लेना है। यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है जो बैकग्राउंड है इसको इसको छिपा लेना है आपको। और इसको भी इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ब्लैक लाइन जो दिख रहा है इसके पहले वाला, उसके आपको यहाँ पे इसके अंदर इधर ही रखना है, क्योंकि जब मोबाइल में यूट्यूब पे ओपन करेंगे ये आपको यहाँ पे जो फोटो रहेगा वो कटेगा नहीं। तो इसके हिसाब से आपको फोटो को सेट कर लेना है। उसके बाद से आपको इसमें से जो भी बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे वो बैकग्राउंड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड करके रखा है मैं, तो आपको जो बैकग्राउंड यहाँ पे अच्छा लगे वो बैकग्राउंड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद से आपको यहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्लिक करके सेव एज इमेज पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद से दोस्तों आपको रेमनी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उस ऐप में जाकर आपको पहले इसको HD में करना पड़ेगा। जब इसको HD में कर लेंगे तभी आप इसको सेव करेंगे तो साफ दिखेगा।
आपको रेमनी ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है इसके ऊपर। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पोस्टर को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरह से क्लिक कर देंगे। तो इसके पास यहाँ पे कुछ सेकंड का ऐड आएगा, तो ऐड को आपको पूरा देख लेना है। जितना भी सेकंड का ऐड आए उस ऐड को आपको देख लेना है। ऐड देखने के बाद आपको यहाँ पे कैंसिल कर देना है। जैसे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको शो करेगा। तो ये जो लाइन दिख रहा है आपको, तो ये लाइन जो आपको इस तरह से इस साइड ले लेना है आपको, यहाँ पे इस साइड इस लाइन को ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है, इसको सेव कर लेना है। तो दोस्त इस तरह सेव कर लेंगे तो ये आपको पूरा फुल HD में आपको मिल जाएगा। तो आप इसको सेव करेंगे तो आपको पूरा फुल HD में आपको ये शो करेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देते हैं पूरा फुल HD में आपको, थोड़ा भी आपको इसका चेहरा फटा हुआ नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। और इसे कैसे सेव करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब को ओपन करना है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद आपको यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है, डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर लेना है और कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे जो चैनल का लोगो जो दिखेगा आपको, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको चैनल का जो लोगो लॉगिन किए रहेंगे आप, जो ईमेल ID आपको चैनल का आएगा, तो आप क्रोम ब्राउजर में जो लॉगिन किए रहेंगे तो आपको यहाँ पे चैनल का लोगो शो करेगा। तो उस लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करने के बाद आपको योर चैनल पे क्लिक करना है। योर चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। कस्टमाइज चैनल पे जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर में जो लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए चेंज का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे चेंज कर देना है। तो आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से डाउन कर देंगे। डाउन करने के बाद से आपको यहाँ पे देखिए एक बार और डाउन करने का ऑप्शन आएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे इसको सेव हो जाएगा। यहाँ पे देख सक दिखा देता है आपको मैं, यहाँ पे इस तरह किस तरह से सेव हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको यहाँ पे पब्लिश कर देना है। यहाँ से जब पब्लिश कर देंगे तो आपके यूट्यूब चैनल पर ये सेव हो जाएगा। तो मैं आपको यूट्यूब अपना चैनल ओपन करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं योर चैनल पे क्लिक किया और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बैनर में डिजाइनिंग किया हूँ वो यहाँ पे सेव हो चुका है और बिल्कुल क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से आप भी सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा था तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।